पत्ते मिल जाएंगे ना तो मैं कुछ बनाने वाली हूँ रेसिपी। तो मेरा बहुत अच्छा खाने का मन है तो मम्मी बनाती है वहाँ पर। वहाँ पर सब्जी मैंने मंगवाई थी वो सब्जी ना ठीक रहेगी। तो ये वाली चम्मच अब हम भिंडी पकाएंगे। कड़ी पत्ता मैंने इसलिए नहीं यूज किया क्योंकि कभी कभी बिना कड़ी पत्ता के भी खा लेना चाहिए, है ना। और यहाँ पर मैं सब्जी बता रही हूँ, ये पालक है जो कि मैं कुछ नई डिश बनाने वाली थी पर मैंने नहीं बनाया। ये कटी प्याज रखी हुई है जो कि मैं खाने में काम लेकर आऊँगी, खाऊँगी इसको मैं। भिंडी है, टमाटर है, श्रेया लेकर आई थी। कुछ इस तरीके से मैं सब्जी रखती हूँ। अभी मेरे पास फ्रिज नहीं है ना तो मैं ऐसे ही गीला जो टॉवल वगैरह रहता है कुछ भी, तो ये छोटा सा टॉवल था तो गीला कपड़ा करके ऐसे ही ढक देती हूँ तो मेरी सब्जियाँ बनी रहती हैं ताजी की ताजी। तो ये हमारा देसी फ्रिज है। गाँव में इसी तरीके से सब्जी रखी जाती है स्टोर करके, है ना। और यहाँ पर मैं भिंडी चेक कर ले रही हूँ कि भिंडी किस कंडीशन में पकी हुई है कि नहीं। तो हमें ज़्यादा भिंडी नहीं पकानी है, थोड़ी सी अध कच्ची रखनी है क्योंकि अभी बेसन ये जो बैटर हम इसमें ऐड करेंगे ना तो उसमें पक जाएगी। थोड़ी सी आधी कच्ची ही अच्छी लगती है तो वैसे पक जाएगी ना, बहुत अच्छी कढ़ी लगती है। और ये मैं कम बनाती हूँ, आप लोग मेरे वीडियो पर शायद पहली बार देख रहे हो इसको, बनाती हूँ तो शूट ही नहीं करती हूँ। तो यहाँ पर मैं आटा भी लगा ले रही हूँ क्योंकि मैं आज भिंडी की कढ़ी और रोटी बनाने वाली हूँ, चावल नहीं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं आटा लगाने के बाद रोटियाँ भी सेंक लूँगी तो भिंडी की कढ़ी और रोटी हमारे आज के खाने में होगा। तो ये देखो हमारी भिंडी की कढ़ी पक रही है। और ये कढ़ी में जब मलाई जमने लगती है ना साइड में तो समझ जाना कि कढ़ी हमारी बनकर तैयार है। आटा मैंने लगा लिया है और मैं यहाँ पर अब रोटी सेकने की तैयारी करूँगी क्योंकि श्रेया को भी भूख लगी है और मुझे भी भूख लगी है। करीब 11:30 बज रहा है और ये आज का ब्लॉग आज ही जाएगा। और मैंने आगे कुछ आप लोगों के लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है, यानी कि मैं अपनी खुशी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि मैंने क्या मंगवाया है इस बार, तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, है ना। और श्रेया ने जो गुलाब जामुन नहीं, कल तो गुलाब जामुन का था बट मैंने ऐसे ही नॉर्मल खाया था। आज श्रेया की इच्छा हो रही थी बहुत, वो कभी ऐसी फरमाइशें नहीं करती है, पर बोला कि मम्मी मुझे ना गुलाब वो क्या बोलते हैं छैने के रसगुल्ले खाने हैं। तो मैंने बोला ठीक है। तो उसके लिए मैंने फिर छैने के रसगुल्ले लेकर आई थी मैं, तो उसने खाए हैं। तो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। श्रेया तो चैलेंज ही करने को बोल दी थी, बोलती मम्मी चलो चैलेंज करते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कैसा लगा वीडियो, तो ये भी बताइएगा कमेंट करके। यहाँ पर मैंने रोटियाँ सेकना स्टार्ट कर दिया है। बस इसी तरीके से जीवन हमारा कट रहा है, कोई अनोखा जीवन नहीं है, दुख मुसीबत आते रहते हैं इतना तो मैं जान गई। पर सबसे बड़ा दुख मैंने जब मैं फेस कर ली ना, बस यही है कि हर एक चीज़ से हमें हार नहीं मानना चाहिए हमेशा। हमसे भी बहुत ही कष्टमय जीवन और लोगों का भी होता है, उनको देख लो तो शायद अपने हम अपने दुख भूल जाते हैं। तो यही है जीवन, खुशी से जीना चाहिए। अगर किसी चीज़ में हार गए हैं
तो उसको फिर से प्रयत्न करो और फिर से उसमें जीत हासिल करने की कोशिश करो। एक बार हारोगे, दो बार हारोगे, तीसरी बार अगर मेहनत अच्छी रही तो जरूर जीतोगे, मेरा यही कहना है। और मैं भी इसी चीज़ को फॉलो करूँगी और कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गुलाब जामुन बोल रही हूँ, छेने के रसगुल्ले मैंने खाए हैं, मुझे श्रेया की फरमाइश में था पर मैंने भी खा लिए, और 3 छेने के रसगुल्ले मैंने खाए हैं। मुझे यही मिठाई ज़्यादा पसंद है। कल मैंने बोला था कि मैं वो खाती नहीं हूँ, कौन से गुलाब जामुन, तो हाँ मैं खाती नहीं हूँ, मुझे कोल्ड हो जाता है, मुझे यही वाले रसगुल्ले पसंद है, पर मैंने खा लिए क्योंकि कभी कभी मैं खा भी लेती हूँ ना। 2 बार शायद वीडियो गुलाब जामुन के जा चुके हैं, इसलिए मुझे कल कमेंट आया था आप खाते नहीं हो फिर भी खाते जाते तो हो। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के तो साथ इस वीडियो में थोड़ा सा कुछ बताने ये वाली हूँ कि मैंने की थी अमेजोन ऐप से शॉपिंग, जैसा कि मैं करती हूँ हमेशा, पर इस बार मैंने क्या मंगवाया है, मैंने की है बहुत ही अच्छी साड़ियों की शॉपिंग, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा डिस्काउंट ऑफर में यानी मिल रहा था ये साड़ी, तो मैंने बोला क्यों ना मैं ले लूँ, और मैं साड़ियाँ ही पहनती हूँ, मुझे साड़ी बहुत भाती है। अमेज़ॉन एक ऐसा ऐप है जो जिसे हम जहाँ पर सभी लोग शॉपिंग करते हैं, बट हमारे जो लिंक के जरिए आप लोग शॉपिंग करेंगे तो उसमें डिस्काउंट ऑफर मिलेगा। अगर आप लोगों को भी ये चीज़ें साड़ी पसंद आ रही है या फैशन से रिलेटेड या जो भी आपको शॉपिंग करनी है, लिंक के थ्रू करेंगे तो आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा और कम यानी पैसे बचाकर आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। मेन बात यही है, क्योंकि मैं जैसे सभी लोग अमेज़ॉन से शॉपिंग करते ही हैं, तो मेरे लिंक के जरिए करिए और अपने पैसे बचाइए, मैं यही कहूँगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, मैंने ये साड़ी मंगवाई है, देखो कितनी अच्छी साड़ी लग रही है, मुझे एक ही नज़र में पसंद आ गई थी। ये प्रिंटेड है, इस ना यानी 2 भाग में है, तो ये प्लेट का भाग है, इसमें प्लेटें बनेंगी, और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद आई थी। इसका कैटलॉग मैं साइड में लगा दूंगी, हालांकि मैंने अभी वेयर नहीं की है क्योंकि ये अभी ही आई है, और उसके बाद ये इसका जो हमारा पल्लू रहता है, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से है, तो बहुत अच्छी साड़ी है, अभी मैंने इसको वेयर नहीं किया है, और इसमें विथ ब्लाउज पीस है, ये ब्लाउज पीस दिया गया है, तो ये भी बहुत कम रेंज में, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, इसका बहुत कम रेंज है। इसका लिंक में क्लिक करेंगे ना तब आप लोग बोलोगे सच में सुहाना, इतने कम रेंज में साड़ी, सच में बहुत कम रेंज में साड़ी है और बहुत ही सॉफ्ट है, ये देखिए, और बिल्कुल हल्की फुल्की साड़ी है, कंफर्टेबल है। एक साड़ी और मैंने ऑर्डर की है, तो ये साड़ी आप लोगों को बता देती हूँ, ये देखिए, तो ये जो कलर है ये बहुत अच्छा लगा था मुझे, और ये साड़ी भी बहुत अच्छी है, इसका मैं साइड में पिक्चर लगा दूंगी, कैटलॉग लगा दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो एक साड़ी मैंने ये मंगवाई है, इसमें बहुत अच्छी डिज़ाइन दी गई है, और इसका जो फैब्रिक है बहुत अच्छा है ये, और यहाँ पर ये बॉर्डर दी गई है, नीचे जो प्लेट दी गई है इसमें भी इस तरीके से कुछ डिज़ाइन दिया गया है, और साड़ी पूरी प्लेन है, ऐसे ही डिज़ाइन दी गई है। ये साड़ी पहनने के बाद बहुत अच्छी है, आप लोग बताइएगा ये मेरी साड़ियाँ कैसी लगी। इसका भी क्या बोलते हैं, जो रेट है वो भी कम है, ज़्यादा नहीं है, लिंक के थ्रू आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये जो साड़ियाँ हैं ये मैंने मंगवाए हुई है, आप लोग देख सकते हो। एक साड़ी और दिखा देती हूँ आपको मैं, तो एक ये ग्रीन साड़ी है, एक ये मैंने ग्रीन साड़ी, प्लेन ग्रीन साड़ी मैंने मंगवाई है, इसका भी प्राइस कम है, और तीनों साड़ियों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो आप लोग वहां से चेक कर सकते हो। इसकी बॉर्डर में कुछ इस तरीके से डिज़ाइन दिए गया है, और अच्छी है, प्लेन साड़ी है, बहुत अच्छी साड़ी है, इसका भी साइड में मैं पिक्चर लगा दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो 3 साड़ी मैंने इस बार मंगाई है, और कल के ब्लॉग में और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने कौन सी साड़ी मंगवाई हुई है, क्योंकि मैंने अभी 2 साड़ी और ऑर्डर की है, अभी क्या है सेल चल रही है, डिस्काउंट ऑफर, कम यानी हमें प्राइस में अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे हैं वहाँ पर, और जो भी सूट ड्रेस कुर्ता जो भी लेना है, साड़ियाँ लेना है, बैग हो गए, अपने सैंडल्स वगैरह हो गए, जो भी है, तो कम रेंज में मिल रहा है, इसलिए मैंने शॉपिंग कर ली। तो ये 3 साड़ी मैंने अभी मंगवाई हुई है, और नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर बताऊंगी फिर से कि और मैंने क्या मंगवाया है। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और इस क्या बोलते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से अगर कोई भी साड़ी आप लोगों को अच्छी लग रही है
तो आप लोग शॉपिंग कर सकते हैं। देखो हम लोग कर रहे हैं ये केक रसगुल्ले का चैलेंज, और ये हाँ 1 मिनट में खाना है ना। 1 2 3 स्टार्ट। गरम हो पका है। तो वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। थोड़ा सा आज मन अच्छा नहीं है, इसलिए जो भी है आप लोग बने रहिए।